Hello everyone, we'll continue with chapter 17 breathing and exchange of gases and this is the part 3 of the video. आज के वीडियो में हम respiratory volumes and capacities और exchange of gases के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये जो particular topic है respiratory volumes and capacity ये बहुत ही important topic है और इससे NEET में questions generally आता ही है. 2018 में 2019 में भी इससे question आया हुआ है. तो वीडियो के एंड में हम वो जो question इस particular टॉपिक से आए हुए हैं नीट में वो भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ चीज़ों को आप कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको आप समझिए. सबसे पहले है नॉर्मल इंस्पिरेशन. नॉर्मल इंस्पिरेशन का मतलब होता है जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं. नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब जब हम नॉर्मली एक्सपायरेशन करते हैं या सांस छोड़ते हैं. एक होता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन. फोर्सफुल इंस्पायरेशन का मतलब होता है जब हम जोर लगाकर सांस लेते हैं और फोर्सफुल एक्सपायरेशन का मतलब होता है जब हम जोर लगाकर सांस को छोड़ते हैं. ठीक है, तो ये चारों वर्ड्स आपको टर्म्स चारों ये क्लियर होने चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए. मैंने अभी ये चार टर्म्स आपको क्या पता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी. सबसे पहले देखते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या होता है. देखिए, जितनी एयर हम लंग्स में जितनी एयर हम इनहेल करते हैं, जितनी एयर को हम अंदर लेते हैं लंग्स के, सपोज दीज आर द लंग्स एंड वी टेक इन ऑक्सीजन, वी टेक इन एयर थ्रू आर लंग्स. तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में जितनी एयर को हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं उस एयर को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स. और ये ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल इंस्पायरेशन की बात हो रही है. और ये जो वॉल्यूम होती है नॉर्मल इंस्पायरेशन, और नॉर्मल इंस्पायरेशन में जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम लेते हैं या छोड़ते हैं वो होती है 500 ml. और हेल्दी ह्यूमन बीइंग कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल एक मिनट में 12 से लेकर 16 बार ब्रीदिंग करता है. 12 to 16 times तक ब्रीदिंग करता है. तो एक बार की ब्रीदिंग में कितनी एयर का इंस्पायरेशन किया, 500 ml का. तो 500 ml को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आया 6000. ठीक है, और 500 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो आया 8000. तो नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल एक मिनट में 12 से लेके 15 टाइम तक ब्रीदिंग करता है. हर एक ब्रीदिंग में 500 ml एयर इंस्पायरेशन होता है. तो टोटल 1 मिनट में कितना एयर का इंस्पायरेशन या फिर एक्सहेलेशन हुआ, वो हुआ 6000 से लेकर 800 ml ऑफ एयर. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो जितनी एयर जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं. और ये टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml. और एक हेल्दी इंडिविजुअल एक मिनट में कितनी एयर को इंस्पायर और एक्सपायर करता है वो होती है 6000 से लेके 8000 ml ऑफ एयर, या फिर 6 से लेके 8 लीटर ऑफ एयर. इसको ये जो ग्राफ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इस ग्राफ से भी समझिए. ये जो नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन में जितनी एयर का इनटेक करते हैं या हम जितनी एयर का एक्सहेल करते हैं उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. ये वाले ग्राफ में ये वाला जो आप वेव देख रहे हैं ये टाइडल वॉल्यूम की वेव है. अभी इस ग्राफ को हम आगे भी पढ़ेंगे, पहले नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम. नेक्स्ट टॉपिक है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी और ज़्यादा एयर हम अपने अंदर अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं जब हम फोर्सिबली इंस्पायर करें. ठीक है, एक तो सपोज लंग्स हैं ये हमारे, लंग्स में हमने नॉर्मली जब इंस्पायरेशन किया तो हमने कितनी एयर हमने अंदर ली थी, वो थी 500 ml, जिसको हम कह रहे थे अपना टाइडल वॉल्यूम. अब इस 500 ml के अलावा जब हम फोर्सफुली जब हम गहरी सांस लेकर या जोर लगाकर और कितनी ज़्यादा और एयर को हम अंदर अपने लंग्स में ले सकते हैं उसको हम कहते हैं IRV,
आईआरवी या फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की क्वांटिटी कितनी होती है? 2500 से लेकर 3000 ml। ठीक है, अब इसको हम इस ग्राफ से एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी ज़्यादा एयर हम और अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं, इसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और कितनी होती है ये? 2500 से लेकर 3000 ml। ठीक है, अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी फोर्स लगाकर हम कितनी एयर को लंग से बाहर निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ईआरवी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, मतलब एडिशनल जो वॉल्यूम है एयर की जो एक पर्सन निकाल सकता है अपने लंग से बाहर, जो एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, जब फोर्स लगा के वो एक्सपायरेशन करता है। और ये जो वॉल्यूम होती है ये होती है 1000 ml से लेकर 1100 ml तक। इसको फिर से हम ग्राफ से देखते हैं। ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब जितनी हम नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं उसके अलावा फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी एडिशनल ऑफ एयर हम अपने लंग से बाहर निकाल सकते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? ये होती है 1000 से लेकर 1100 ml तक। ठीक है, आई होप ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? जो हमारे लंग्स है, लंग्स से हम चाहे कितना भी फोर्स लगा के एयर को बाहर निकाल दें लेकिन लंग्स कभी भी खाली नहीं होते हैं। लंग्स के अंदर हमेशा कुछ अमाउंट में एयर हमेशा बची रह जाती है और उस एयर को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, मतलब वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में बची रह जाती है फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 1100 से लेकर 1200 ml तक। ठीक है, एक बार इसको फिर से हम ग्राफ की हेल्प से देखते हैं और एक बार सारी वॉल्यूम्स को रिकॉल करते हैं। टाइडल वॉल्यूम का मतलब था कि जब हम नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं, तो जितनी वॉल्यूम ऑफ लंग्स ले सकता है, अंदर आ सकती है या बाहर निकल सकती है नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये होती है 500 ml। उसके बाद हम फोर्सफुली कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर और अंदर ले सकते हैं लंग्स में, दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम लंग से बाहर निकाल सकते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी कुछ एयर हमारी लंग्स में बची रह जाती है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम होती है 1100 से लेकर 1200 ml तक। ठीक है, ये चारों वॉल्यूम्स आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था? 1100 से लेकर 1200 ml तक। बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब्ड अबव, वन कैन डिराइव्ड वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब देखिए, ये जो चारों वॉल्यूम्स अभी हमने पढ़ी हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम्स, इन सबको हम ऐड करके कुछ कैपेसिटीज़ निकालते हैं। जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब जो नॉर्मल इंस्पायरेशन में हम जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को लंग्स में हम लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन में जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लंग्स में लेते हैं उसको तो हम टाइडल वॉल्यूम कह रहे थे। उसके अलावा फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जितनी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग्स में ले रहे हैं उसको हम क्या कह रहे थे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन दोनों वॉल्यूम्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आ जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी।
ठीक है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब टोटल कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन अपने नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, मतलब जब नॉर्मल एक्सपायरेशन किया उसने, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फिर उसने इंस्पायर किया, मतलब इनहेल किया एयर को, तो नॉर्मली जितना इनहेल किया प्लस फोर्सफुली जितना इनहेल किया, तो टोटल जो उसकी जो ये वॉल्यूम ऑफ एयर उसने इनहेल किया नॉर्मली और फोर्सिबली दोनों को मिला के जो होती है उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सो दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करके हमारी आ जाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद देखते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखिए, जितनी टोटल एयर एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। ठीक है, अब टोटल में कौन कौन सी आ गई, टोटल में एक तो नॉर्मल जो जितनी वो एक्सहेल कर रहा है प्लस फोर्सिबली जितनी वो एक्सहेल कर रहा है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ गई हमारी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि ये लंग्स है, ये लंग्स है, लंग्स से सबसे पहले नॉर्मल इंस्पायरेशन हुआ, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग से बाहर निकली उसको हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। उसके अलावा फोर्स लगा के जितनी एयर हमने बाहर निकाली लंग्स में से उसको हम क्या कह रहे थे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो आ जाता है हमारा ईसी, मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मतलब टोटल कितनी एयर को हम एक्सपायर कर सकते हैं या एक्सहेल कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हम नॉर्मली एक्सहेल कर सकते हैं प्लस जितने हम फोर्स लगा के एक्सहेल कर सकते हैं, सो उसको हम कहेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। आगे देखते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखिए, लंग्स में नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाती है लंग्स में उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि लंग्स में नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रह गई, एक तो वो रह गई जो हम फोर्स लगा के बाहर निकाल सकते हैं, जिसको हम क्या कह रहे थे, जिसको हम कह रहे थे ERV, और उसके अलावा कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर और भी रह जाती है जो कि हम फोर्स लगाकर भी बाहर नहीं निकाल सकते, जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इन दोनों वॉल्यूम को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा FRC, मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हो गया, नॉर्मल जब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में बच जाती है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद उसको हम कहेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आगे देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन कितना ले सकता है, कितना उसके लंग्स में जा सकती है आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। पहले एक पर्सन ने मतलब जोर लगा के फोर्स लगा के एक्सपायरेशन किया, फोर्स लगाकर एक्सपायरेशन किया तो उसके जो लंग्स हैं लंग्स में से एयर बाहर निकल गई। ठीक है, अब वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन, अब कितनी मैक्सिमम वो ब्रीद इन कर सकता है, तो सबसे पहले तो वो टाइडल वॉल्यूम ब्रीद इन करेगा, जो टाइडल वॉल्यूम वो नॉर्मली ब्रीद करता है, उसके अलावा जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको भी ब्रीद इन कर सकता है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको भी ब्रीद इन कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम जो एयर को वो ब्रीद इन कर सके आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। ठीक है, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, VC इज इक्वल टू ERV प्लस TV प्लस IRV। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझिए कि एक पर्सन के लंग्स हैं और ठीक है, अब उसने फोर्सफुल
एक्सपायरेशन किया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद उसके लंग्स में क्या रह गया, उसके लंग्स में सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रह गया, ठीक है। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद वो कितनी एयर अंदर ले सकता है लंग्स के, सबसे पहले तो वो वही एयर लंग्स के अंदर ले सकता है जो वो फोर्सिबली एक्सपायर उसने की है। फोर्सिबली एक्सपायर उसमें कितनी की है, उसको हम कहते हैं ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद वो टीवी भी अंदर लेगा जो कि टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मली जो वो इंस्पायर कर सकता है। फिर उसके अलावा वो एक IRV भी अंदर ले सकता है, IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि फोर्स लगा के वॉल्यूम ऑफ एयर वो अंदर ले सकता है। तो टोटल कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन इनहेल कर सकता है आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, मतलब जब हम फोर्स लगा के इंस्पायरेशन करते हैं या जोर लगा के जब हम सांस लेते हैं तो टोटल कितनी एयर हमारे लंग्स में अकोमोडेट हो सकती है उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम आएगी उसमें क्योंकि लंग्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा रहेगी ही, उसके अलावा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सारी एयर जो है वो हम इनहेल कर सकते हैं, प्लस ये तो ऑलरेडी लंग्स में प्रेजेंट होती ही है, ठीक है। तो ये TLC जो है टोटल लंग कैपेसिटी, ये इट वुड बी कैलकुलेटेड एज RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV। और रिकॉल कीजिए अभी अभी लास्ट इक्वेशन जो हमने देखी थी वो क्या थी, VC इज इक्वल टू ERV प्लस TV प्लस IRV। तो इसको हम TLC को हम VC प्लस RV भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो पूरा जो टर्म है इसकी जगह हमने यहाँ पर VC लिख दिया, तो TLC इज इक्वल टू VC प्लस RV। ये सारी जो इक्वेशंस हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। एक बार जो ग्राफ है, ग्राफ को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ग्राफ में मैंने आपको बताया था ये टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में एयर हम इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं, उसके अलावा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में बची रह जाती है फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी, और फिर उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हो गई, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, और वाइटल कैपेसिटी क्या थी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टोटल लंग कैपेसिटी जो पूरी जो एयर लंग्स अकोमोडेट कर सकता है फोर्सिबल इंस्पायरेशन के बाद, उसको हम कहेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। अब हम देखते हैं नीट 2018-19 में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ये है 2018 का क्वेश्चन है ये, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो ये अभी मैंने आपको बताया, ये सारी वॉल्यूम्स मैंने आपको बताई, टाइडल वॉल्यूम होती है 500 टू 550 ml, ठीक है। इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट आर 500 एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको यहाँ पे TV पता है, ERV पता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकालनी है और हमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी हमें पता है, तो हम फॉर्मूला लगाकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी टाइप के मैंने अभी बताया ना आपको फॉर्मूला, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस ना पूछकर, आपको इस तरह से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा आप कमेंट में लिखकर बताएंगे। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और एक मैंने वीडियो बनाई हुई है 2019 और 18 के जो जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं उन सबका सोल्यूशन मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है कि जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है, कैसे लंग्स में गैसेस
का ट्रांसफ़र होता है लंग्स से, कैसे ट्रांसपोर्ट होगी गैसेस ब्लड में, ब्लड से टिश्यूज़ के पास किस तरह से जाएंगी। ठीक है, अब एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज एक्चुअल में होता कहाँ है? एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर हाईली वैस्कुलराइज। हाईली वैस्कुलराइज मीन्स हाईली रिचली सप्लाइड विद ब्लड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में होता है। एक बार मैं आपको एक डायग्राम से दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये जब हम इनहेल करते हैं तो गैसेस दे मूव इनसाइड आर लंग्स, दे मूव इनटू आर लंग्स, और लंग्स में जाके जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं, और एल्वियोलाई से जो एल्वियोलाई में जो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन जब हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन वो डिफ्यूज़ होके ब्लड में आएगी, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके वो टिश्यूज़ के पास जाएगी, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन इस तरह से डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा टिश्यूज़ में ऑक्सीजन पहुँच जाएगी, और जो जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आएगी, और ब्लड से वो फिर ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा, फिर वो लंग्स में आएगी, लंग्स से फिर वो बॉडी के बाहर वो रिमूव कर दी जाएगी। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है गैसेस के एक्सचेंज का। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। गैसेज का जो एक्सचेंज है वो ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में होता है, और किस प्रोसेस से होता है? सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है कहाँ पर? ब्लड में और टिश्यूज़ में। वो सिंपल किस चीज़ पे डिपेंड करता है? प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूवमेंट, या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है इन गैसेस का, और इस प्रोसेस को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, अब है कि इन चीज़ों का जो ये जो गैसेज है, गैसेज का जो डिफ्यूजन है किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज पे, कि कौन सी गैस कितनी ज़्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा सॉल्यूबल होती है ऑक्सीजन से, ये याद रखेंगे आप। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। उसके अलावा जो थिकनेस होगी मेम्ब्रेन की, उस पर भी डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन किस तरह से होगा। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की भी अभी हम बात करेंगे आगे। प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, अब देखिए पार्शल प्रेशर एक टर्म है। पार्शल प्रेशर का मतलब होता है कि एक मिक्सचर है गैसेस का, उस गैसेस के मिक्सचर में अलग अलग गैसेस हैं, उन अलग अलग गैसेस में एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। फॉर एग्जांपल, इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में बहुत सारी गैसेस हैं, इसमें ऑक्सीजन का जो प्रेशर है उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस कहते हैं। और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस तरह से लिखा जाता है स्मॉल पी और उसके बाद उस गैस का नाम। तो स्मॉल पी ओ टू ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, एंड स्मॉल पी सी ओ टू इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे एक चार्ट देखेंगे हम, उसमें आपको एटमॉस्फेरिक एयर का और टिश्यूज़ का, ब्लड का, ब्लड में अलग अलग गैसेस का पार्शियल प्रेशर दिखाया गया है। ये देखिए, रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है एयर में वो होता है 159 mm ऑफ Hg। फिर एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, फिर जब वो एयर एल्वियोलाई में आती है तो उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, फिर एल्वियोलाई से जो एयर है वो ब्लड में जाएगी, ब्लड के अंदर उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, 40 एम एम ऑफ Hg। फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है जिसमें रिचली सप्लाइड विद ऑक्सीजन, उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा होगा, कितना होता है 95 एम एम ऑफ Hg। फिर टिश्यू के अंदर जब वो टिश्यूज़ में चली जाएगी वो ऑक्सीजन,
तो टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40 mm ऑफ Hg। फिर टिश्यूज के अंदर अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन देखिए, पार्शियल प्रेशर टिश्यूज के अंदर 45 mm ऑफ Hg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम हो जाएगा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, डीऑक्सीजनेटेड में ज़्यादा रहेगा 45। फिर उसके बाद एल्वियोलाई में 40 mm ऑफ Hg, और फिर एटमॉस्फेरिक जो एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.3। इस पे बेस्ड भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस गैस का पार्शियल प्रेशर कहाँ पर कितना होता है। अब इस डायग्राम को भी समझिए, इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि जब हम इंस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं गैसेस को, तो उसमें ये देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm ऑफ Hg। फिर वो एल्वियोलाई से वो जो एयर हमने इनहेल की है वो जाएगी लंग्स में, लंग्स से फिर कहाँ जाएगी, ये देखिए ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mm ऑफ Hg है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फिर वो टिश्यूज़ में चली जाएगी ऑक्सीजन, और टिश्यूज़ के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर ब्लड वेसल्स में आ जाएगी, ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर अब कम हो जाएगा 40 mm ऑफ Hg। फिर उसके बाद फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जिसका पार्शियल प्रेशर 45 mm ऑफ Hg था वो फिर आएगा लंग्स से, फिर वो बॉडी के बाहर एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगी वो एयर, और उस एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा 40 mm ऑफ Hg, और एयर में कितना था 0.3 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड बॉडी ब्लड टू टिश्यूज। स्टेटमेंट का मतलब है कि जो हमने टेबल देखा था उसमें हमने देखा कि एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ऑक्सीजन का, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है ऑक्सीजन का, कहाँ से कहाँ तक, एल्वियोलाई से ब्लड में और ब्लड से फिर टिश्यूज़ में। सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी ग्रेडियंट होता है लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, पहले टिश्यूज से ब्लड में और ब्लड से फिर एल्वियोलाई में, ठीक है, इस तरह से इस डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ज़्यादा से कम की तरफ, और ऑक्सीजन का इस डायरेक्शन में है टिश्यूज की डायरेक्शन में, इधर ज़्यादा, ज़्यादा से कम की तरफ। एज द सॉल्युबिलिटी, अभी मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, कितनी ज़्यादा होती है 20 to 25 times इट इज़ हायर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कम्पेयर्ड टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि मेम्ब्रेन के थ्रू जितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो सकती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बेस्ड नीट में क्वेश्चन आ चुका है, पहले आप ये डायग्राम देखिए। देखिए जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है मतलब वो मेम्ब्रेन जिसके थ्रू डिफ्यूजन होता है या गैसेस का मूवमेंट होता है वो तीन लेयर्स की बनी हुई होती है। पहला तो ये एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई की सबसे बाहर वाली लेयर ये वाली लेयर जो है, ठीक है, ये वन सेल थिक होती है। फिर बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और ये ब्लड कैपिलरी की ये एंडोथीलियल मेम्ब्रेन। तो तीन मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो है वो गैसेस का मूवमेंट होता है, ठीक है, एक तो एल्वियोलाई की ये वाली मेम्ब्रेन, फिर बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरी जो ये ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन है। तो तीन मेम्ब्रेन्स के थ्रू गैसेस का ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरी डायरेक्शन में। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर लेयर्स, थिन स्क्वामस एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की जो लेयर थी उसको हम कहते हैं स्क्वामस एपिथीलियम। उसके बाद जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसकी जो लेयर है उसको हम कहते हैं एंडोथीलियम, और दोनों के बीच में कौन सी लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस। तो इन तीन लेयर्स के बीच में, तीन लेयर्स के थ्रू एयर का ट्रांसपोर्ट होता है।
However, its total thickness is much less than 1 millimeter. तीनों membranes को मिला के thickness 1 millimeter से भी कम होती है. Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissues and that of carbon dioxide from tissues to alveoli. तो इस तरह से हमने देखा कि सारी के सारे factors favorable होते हैं जिससे oxygen alveoli से tissue के पास जा सके और carbon dioxide tissues से alveoli के पास आ सके. ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से कवर करने वाले हैं. थैंक यू.